हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और दोस्तों ब्लॉग जो है शुरू हो गया है, सुबह के 11 बजे हैं अभी। और अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ, मैं नाश्ता करूँगी पहले। देखिए मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया, पराठे बना लिए और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, उसी के साथ खाऊँगी। और अभी मैं शहरी के भी फुलके बना कर रख दूँगी। और अभी दोपहर का लंच भी बनाना, आज लेट हो गया क्योंकि आज मशीन लगा ली थी सुबह ही, पहले कपड़े धोए हैं, बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो कपड़े वगैरह मैंने सब धो लिए हैं। देखिए मैंने नाश्ता डाल लिया अपना, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और पराठे। बस अभी नाश्ता करके भी मैं खिचड़ी बनाऊंगी लंच में, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊं। तो अभी खिचड़ी भी अभी हाथों हाथ ही रख दूँगी। अभी 11 ही बजे हैं, 11:30 बजे तक अभी किचन विचन साफ़ करके खिचड़ी रख दूँगी मैं, क्योंकि बच्चों को आती भूख लगी होती है, उस समय बनाने लगा तो वो शोर मचाते हैं, तो इसीलिए पहले ही। और खिचड़ी तो आपको पता है घुली हुई कितनी अच्छी बनती है, इसीलिए पहले ही मैं खिचड़ी जो है अभी आधे पौने घंटे बाद जो है बनाकर रख दूँगी। और चलिए नाश्ता करते हैं। और देखिए कपड़े सारे मैंने इधर उधर ही चेयर वगैरह पर ही फैलाए हुए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, सब जगह ऐसे ही फैला दिया, तो पंखा चल रहा है ना, ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, बस यही हैं, तो मैंने यहीं फैला दिया। अगर धूप निकली तो फिर ऊपर छत पर किसी मंजिल पे डालने जाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने यहीं पर डाल दिए। तो चलिए पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। देखिए नाश्ता हो गया अब मेरा, अब मैं फटाफट से जो है बर्तन वर्तन साफ करके अच्छे से किचन भी क्लीन कर लूँगी, उसके बाद जो है खिचड़ी बनाऊँगी। और आप ये सोचते हो कि मैं सूट वगैरह नहीं पहनती हूँ, कम ही पहनती हूँ। दोस्तों घर पे तो सिर्फ ये टी शर्ट और लोअर में ही रहती हूँ, क्योंकि आना जाना मेरा बहुत ज़्यादा कम है बाहर, मैं मार्केट भी बहुत कम जाती हूँ। जब मार्केट जाती हूँ तो तभी सूट पहन लेती हूँ और तुरंत ही आकर उतार देती हूँ, पता नहीं मेरे से अब सूट पहने ही नहीं जाते बिल्कुल भी। तो घर में भी टी शर्ट और लोअर में ही ज़्यादातर समय मेरा ऐसे निकल जाता है। बस ये है कि कहीं बाहर अंदर जाओ तो सूट मेरा पहना जाता है, नहीं तो सूट तो मैं पहनती ही नहीं, बहुत कम हो गया। और कंफर्टेबल तो टी शर्ट में ही रहती हूँ ज़्यादातर, तो इसीलिए ज़्यादातर जो है आपको मैं टी शर्ट वगैरह में ही नज़र आऊँगी ब्लॉग्स वगैरह में। तो चलिए मैं पहले भी बर्तन मांग लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। अभी मेरे को ना शहरी के लिए मट्ठा लेने जाना है, पैकेट लेके आऊँगी उसके लिए, क्योंकि सूखी सब्जी से उसको खाना कैसे दें, तो उसको फिर मैं मट्ठे में जो उसकी रोटी को तोड़ देती हूँ और थोड़ी सी गल जाती है तो फिर उसे खिला देती हूँ। तो वो भी देख रहा है कि अभी मुझे खाना नहीं मिला, तो मैं पहले जाकर उसका मट्ठा ही ले आती, फिर आके जो है बर्तन वगैरह साफ करूँगी और जो है किचन क्लीन करूँगी। अभी ऐसे ही फैली हुई है सारी किचन। देखिए मैंने शहरी को खाना भी दे दिया है, अब मैं फटाफट से किचन क्लीन कर रही हूँ अपनी। और देखिए एक मट्ठे का पैकेट अपने लिए भी लाई हूँ, पीऊँगी मैं भी, अच्छा लगता है मुझे। फटाफट से जो है किचन को क्लीन कर लेते हैं। देखिए किचन भी क्लीन हो गई है, बस थोड़े से बर्तन रह गए हैं मांज के, फटाफट से खिचड़ी रखूँगी। देखिए किचन भी साफ़ हो गई, अच्छे से क्लीन कर दिया मैंने सारी, ये देखिए छोटी सी किचन है ना दोस्तों, तो क्लीन ही रखनी पड़ती है। ये देखिए मैंने ना जैसे कूड़ा वगैरह होता है ना थोड़ा बहुत बचता, तो ऐसे डिब्बा लगा रखा है, उसमें डाल देती हूँ, और थोड़ा सा जब भर जाता है तो फिर डस्टबिन में डाल आती हूँ बड़े वाले में। और इस तरीके से देखिए किचन, सिर्फ एक स्लैब ही है मेरी किचन में, ये वाली सामने वाली। देखिए रैक लगा हुआ इसमें बर्तन वाला, और जो बर्तन मांझ कर मैं बास्केट में डाल देती हूँ, आधे इसी रैक में कर देती हूँ, और फालतू बर्तन नहीं है। और नीचे इस तरीके से देखिए कढ़ाई वगैरह सब मैंने ऐसे रखे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं। और इधर का तो मैंने आपको दिखाया ही था, ज़्यादा सामान मैंने अपनी किचन में रखा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत छोटी किचन है ना, तो इस तरीके से ही बस थोड़ा सा अरेंज कर रखा है किचन को, और दालों वगैरह के डिब्बे मैंने इस तरीके से रखे हुए हैं। तो चलिए किचन भी साफ़ हो गई और अभी मैं खिचड़ी बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी जो आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए खिचड़ी के लिए मैंने ये उड़द की दाल और चावल ले लिए हैं, एक कटोरी चावल और एक कटोरी ही दाल ली है, और पतली पतली खिचड़ी बनाऊंगी, इसमें पानी का कोई मेजरमेंट नहीं होता दोस्तों। इसमें पानी जो है कुकर में खुला ही रख के डाल के, और इस खिचड़ी को धोकर अच्छे से नमक और हल्दी सिर्फ मैं डाल दूँगी इसमें, और बीच में ही टमाटर और प्याज को काट कर डाल दूँगी, क्योंकि ऊपर से तड़का लगाते हैं ना टमाटर प्याज का, तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो जो अच्छे तरह उसी के अंदर उनका टेस्ट चला जाएगा। थोड़ा सा लहसुन भी बीच में मतलब क्रश करके डाल दूँगी, तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और वैसे भी उड़द की दाल जब हो ना, तो इसमें हींग और लहसुन वगैरह का तड़का जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो ये हजम नहीं होती है जल्दी से। और बच्चों को ये वाली खिचड़ी बहुत ही पसंद आती है, तो चलिए अभी इसे धोकर जो मैं पकने के लिए रख देती हूँ। देखिए खिचड़ी रख दी है मैंने, और इसमें खुला पानी डाल दिया, और चावल और दाल जो इसमें डाल दिए। और देखिए इधर मैंने टमाटर प्याज और लहसुन को भी काट लिया, उसको मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूँगी, साबुत लहसुन ही है देखिए, क्योंकि ना इसके साथ इस तरीके से आप खिचड़ी बनाएंगे ना, मेरे तरीके से आप बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनती है दोस्तों। ये प्याज और टमाटर इसी के साथ जो है खुल जाते हैं अच्छे से,
और इसमें देखिए मैं बस नमक और हल्दी डालूंगी और एक से दो चम्मच जो मैं सरसों के तेल को जलाकर, ये तो आप देसी भी डाल सकते हैं पर मैं सरसों का तेल जो उसको जला लूँगी अच्छी तरीके से, कच्चा नहीं डालना आपने, इसको जलाकर कुकर के अंदर ही डाल देंगे। और इसे फिर एक विसल आने के बाद हम जो है 15 से 20 मिनट तक जो है सिम पे रखेंगे और कड़कड़ के खिचड़ी जो बहुत अच्छी बनेगी। और देखिए नमक मैं इस तरीके से इस वाले जार में रखती हूँ और थोड़ा थोड़ा जो है मुझे जब चाहिए होता है तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। अब मेरे को ये सब बोलते हैं कि कांच के जार में ही नमक रखना चाहिए, स्टील में या प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, पर दोस्तों जो स्टील वाली नमकदानी होती है ना वो भी लेकर आई थी मैं, वो मेरी क्रैक हो गई और उसमें नमक डालते थे ना तो उसमें भी ना पानी पानी हो जाता है नमक से, प्लास्टिक वाली में इतना होता नहीं है। ये भी अच्छे न्यासा का लेकर आई थी मैं, ये नमकदानी भी लाऊंगी एक बढ़िया नमकदानी और भी, पर ज़्यादातर जो है देखिए मैं थोड़ा नमक इसमें ले लेती हूँ और इसी में मैं ढककर इसको रख देती हूँ। तो चलिए अब इसमें मैं, अभी देखिए तेल भी जल रहा है, अच्छे से पका लेना है तेल को तब इसके अंदर डालना है। अब मैं एक से दो चम्मच भरकर नमक डाल दूँगी अच्छे से इसके अंदर और एक से डेढ़ चम्मच हल्दी और थोड़ा सा मैं इसके साथ ही डाल दूँगी किचन किंग मसाला भी एक चम्मच भर के, उससे भी जो है ना टेस्ट अच्छा आ जाता है खिचड़ी में। और जब ये पक जाएगी तो बाद में मैं जीरे और हींग का तड़का दे दूँगी, क्योंकि बच्चों को ना ऐसे कट के जब हम तड़का लगाती हूँ ना मैं बीच में प्याज और टमाटर का तो वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, वो खाते ही नहीं। ये वाले टमाटर प्याज तो इसी के अंदर घुल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मैंने देखिए एक चम्मच किचन किंग भी डाल दिया मैंने इसमें ऐड कर दिया और लाल मिर्च भी मैं सोच रही हूँ डाल ही दूँ तड़के में तो क्या ही डलेगी। इसमें देखिए आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च भी डाल दिया, थोड़ी सी मैं उस समय तड़के में डाल दूँगी। और आप भी इस तरीके से खिचड़ी बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनती है दोस्तों। और अब देखिए तेल भी जल गया, देखिए कलर चेंज हो गया उसका बिल्कुल, और इसके अंदर मैं आराम से डाल दूँगी। आराम से ध्यान से डालिए आप भी, छिटक तो आती हैं आपको पता है। और अच्छे से मिक्स करके देखिए पानी ज़्यादा है ना इसमें भी, तो पतली पतली जगह खिचड़ी बनती है और गाढ़ी होके ठंडी होके तो ये गाढ़ी हो जाती है आपको पता ही है। तो आप भी इस तरीके से खिचड़ी ज़रूर बनाकर देखिएगा। अब मैं इसमें एक विसल दिलाकर इसे 15 से 17 मिनट तक सिंपल छोड़ दूँगी और खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए पहले खिचड़ी बना लेते हैं फिर आपको दिखाऊंगी कि खिचड़ी कैसी बनी है हमारी। देखिए जो किचन में फैला हुआ था सारा मैंने समेट दिया और अब इस समय खिचड़ी रख दी है ना तो अभी शायद 12 बजने वाले हैं, तो सही है दोस्तों। पता क्या है अगर मैं बैठ जाती हूँ ना और जैसे नाश्ता वाश्ता किया और दोपहर की, अगर वैसे तो सुबह सब्ज़ी बना लेती हूँ दोपहर को हो जाती है, अगर नहीं बनी तो इतना आलस आता है कि फिर सब्ज़ी बनाने का भी मन नहीं करता ना। देखिए जल्द से पता चलता ना, धूप भी निकल आई है, अच्छे से मौसम साफ हो गया है बाहर का देखिए। पर अब नहीं जाऊँगी ऊपर, वहीं पर ही सूख जाएंगे, इनको सबको पलट देती हूँ एक बार। अधिकतर तो सूख गए हैं, काफ़ी देर से मैंने धोए हुए कपड़े, तो सबसे पहले मैं सीनी लगाई थी आज बच्चों के जाने के बाद। और शहरी देखिए पता नहीं कहाँ पे घुस गया, वो ठंडी जगह ढूंढता रहता है अपने लिए, इधर होगा शायद, देखते हैं। शहरी यहाँ पे भी नहीं है, देखिए यहाँ भी नहीं है, अब वो पार्लर वाले रूम में होगा फोल्डिंग के नीचे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहीं होगा पक्का, ये देखिए शरी शरी, ये देखिए कहाँ घुस कर सोया ये, हमें आवाज़ें लगाई से पता नहीं है, खाना खाकर मट्ठा पीकर आराम से शरी महाराज जो है सो रहे हैं देखिए। और वहाँ पंखा चल रहा है इसके लिए ये चलाया हुआ मैंने और ये यहाँ पे सोया हुआ है, इसको भी गर्मी लगती है ना। देखिए कुकर में एक मिसल आ गई है ना तो मैं इसको सिम कर दूँगी और 15 से 20 मिनट तक अभी सिम गैस पर पकती रहेगी खिचड़ी और अच्छे से घुल कर तैयार हो जाएगी। तो तब तक देखिए मैं अपना मट्ठा पी लेती हूँ, मसाले वाला लेकर आई थी, लिखा हुआ ना मस्त मज़ा मसाला छाछ, तो इसको गिलास में निकाल कर पीती हूँ। देखिए खिचड़ी बन गई है, अभी इसमें तड़का लगा दूँगी और देखिए कितनी अच्छी और टेस्टी लग रही है, एकदम से घुली हुई बनी है। अभी जब तक बच्चे आएंगे ना दोस्तों तब तक तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए फटाफट से तड़का लगा कर इसको मैं ढककर बंद ही कर दूँगी कुकर को, क्योंकि अगर कुकर का ढक्कन हटा कर रखेंगे ना तो सारा मॉइस्चर जो है निकल जाता है और ये गाढ़ी हो जाएगी। देखिए लग रही है ना टेस्टी, आप भी ज़रूर इस रेसिपी को खिचड़ी की ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है दोस्तों। और तड़का लगा दूँगी इसमें हींग और जीरे का सिर्फ, और थोड़ा सा ऊपर से देसी घी डालकर बच्चों को खाने के लिए दूंगी ना तो ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि तड़के में तो थोड़ा डलेगा इतना नहीं, ऊपर से जब खिचड़ी में डालकर खाओ ना देसी घी तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खिचड़ी। देखिए तड़के के लिए मैंने साबुत धनिया डाला है सरसों के तेल में और हींग और थोड़ा सा जीरा एक चम्मच तक, और इसमें हल्की सी लाल मिर्च डालूंगी, देखिए बस ऊपर से इसको खिचड़ी के अंदर डाल, इस तरीके से थोड़ी देर ढका रहने दे
और देखिए खिचड़ी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है, एकदम से यम्मी और टेस्टी खिचड़ी। दोस्तों आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस वाली खिचड़ी को, वैसे कई लोग बनाते भी हैं मुझे पता है, पर इस तरीके से आप मेरे तरीके से बनाकर देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा ये वाली खिचड़ी, मूंग दाल छिलके वाली भी आप डाल सकते हैं, वो भी इसी तरीके से बनेगी। तो देखिए बस अभी से बंद कर दूँगी मैं। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो अगर जो भी मेरे चैनल पर नया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, पता चलता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और आपको मेरा ब्लॉग जो है कैसा लगता है, आपके कमेंट से ही पता चलता है। तो प्लीज़ अपने जो भी आपको अच्छा लगे या ना लगे तो अपने कमेंट जरूर हमें मेरे साथ शेयर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। धन्यवाद दोस्तों, बाय, नमस्कार।